नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जिला दतिया इंद्रगढ़ से ब्यूरो चीफ संजीव रिछारिया की लाइव कवरेज। तो बने रहिए चैनल के साथ, देखिए यह पूरा खबर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोहेल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज लाइव एसएसडी देहाती खबर। खबर है इंद्रगढ़ से। विकास के कार्यों पर मिली रामगढ़ा सरपंच संजय दुबे दिनकर को जिला पंचायत सदस्य में जीत। आपको बता दें कि दतिया जिले के तहसील इंद्रगढ़ में आने वाली रामगढ़ा पंचायत अपने विकास के कार्यों से जानी जाती है। रामगढ़ पंचायत में लगभग 5 करोड़ की लागत से पंचायत के लिए कार्य किए गए एवं ग्राम पंचायत के लिए 3 गौशालाओं का निर्माण भी कराया गया, जिसमें 500 गांवों का भोजन एवं कर्मचारी की व्यवस्था कार्यरत है। ग्राम पंचायत में खेल मैदान का भी निर्माण कराया गया। गांव की सड़कों को सूर्यो योजना के अंतर्गत एक दूसरे गांव से जोड़ा गया। 500 लोगों को लगभग पंचायत में पेंशन दी जा रही है। लगभग 120 आवास भी दिए गए हैं। समय समय पर जिगनिया महोत्सव एवं बैलगाड़ी दौड़ दंगल आदि के कार्य पंचायत में किए गए। इन्हीं विकास कार्यों को देखते हुए वार्ड क्रमांक 7 जरुआ जीवन की जनता ने जिला पंचायत सदस्य में संजय दुबे दिनकर को विजयी बनाया है एवं विजयी घोषित होने के बाद संजय दुबे दिनकर ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र में एवं नगर इंद्रगढ़ में विशाल जुलूस निकालकर सभी आम जन मानसों का आभार व्यक्त किया और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। बने रहिए चैनल के साथ और खबरों के साथ और देखिए पूरा रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो आपकी ऐतिहासिक जीत दर्ज की है आपने, उसका श्रेय कैसे देंगे आप? जनता को, जनता का चुनाव जनता ने ही लड़ा है और ये सभी हमारे जो भाई हैं जिन्होंने रात दिन मेहनत कर करके, माताओं बहनों ने मेहनत कर करके चुनाव लड़ा है। ये किसी भी प्रत्याशी के चुनाव में माताएं बहनों ने भाग नहीं लिया है, लेकिन हमारे लिए माताएं बहनों ने घर घर जाके वोट मांगे हैं। ये श्रेय पूरी जनता और मातृशक्ति के लिए जाता है। विकास के लिए सारे कार्य किए जाएंगे, जैसे रोड है, कई गांव मैंने जोरा का भ्रमण किया है। जोरा में कई आबादी ऐसी है जहां रात में आज भी नहीं निकल पा रहे हैं। आज की कंडीशन ऐसी है कि जहां रात्रि में माचिस लेने के लिए दुकान पर जाते हैं तो इतने इतने कीचड़ में गप के आते हैं। ये कार्य सरपंचों के हुआ करते हैं वैसे कायदे में, लेकिन ऐसे प्राथमिकता से ऐसे कार्य किए जाएंगे जहाँ रोड, पानी, बिजली, सड़क और शौचालय जैसी सुविधा उपलब्ध हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के लिए क्या आपका योगदान रहेगा? शिक्षा के लिए तो देखो, स्कूल हर गांव में हैं, लेकिन अभी क्या चल रहा है कि बच्चे थोड़ा स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं और कुछ जो ज़्यादा स्टैंडर्ड परवा रहे हैं वो क्या कहते हैं, सीधे उन्हें कॉन्वेंट में ले जाकर के पढ़ाई शिक्षा अध्ययन करा रहे हैं। तो ऐसे विषय को लेकर के मेरा यही एक ही मत है कि क्षेत्र में जाकर के, घर घर जाकर के यही समझाया जाए कि शासकीय स्कूलों में भी बहुत अच्छी से पढ़ाई हो सकती है और अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा अध्ययन कराएं, जिससे आगे चल करके देश का भविष्य उज्जवल हो सके। जैसे आप एक युवा हैं और युवा के तौर पे आप पर सीएम राज स्कूल भी खुला है जी, और आप इस चीज को समझ सकते हैं, आप पर सीएम राज की जो नीति और रीतियां उससे वो नहीं मिल पा रही है, तो इसमें भी आपका क्या कहना रहेगा? इसमें तो आदरणीय ये है कि अब सीएम राज स्कूल में अब मैं लगभग सभी से बात करूंगा और उसमें घर घर जाकर के भी मैं सभी को समझाऊंगा कि इसमें अच्छे से अच्छा विकल्प अपने क्षेत्र के लिए साबित हो सकता है, उसके लिए कार्य करें। भाई साहब, कल जैसे आपने जोरा गांव का जिक्र किया अभी जी, कल जोरा में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत। हाँ, वो फिर पूरा प्रकरण मेरे संज्ञान में आ गया था। मैंने तत्काल ही स्वास्थ्य विभाग में फोन लगाया और तत्काल बिल्कुल 10 मिनट के अंदर जो घायल प्रत्याशी था उसके लिए रेफर कराया दतिया के लिए। अब वो थोड़ा ठीक है और शेष एक महिला की स्पॉट पर ही डेथ हो चुकी थी। बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी जीत का श्रेय सारी जनता जनार्दन के लिए है, महिलाओं के लिए है। मैंने एक कप किसी के लिए दारू नहीं पिलाई है पूरे चुनाव में, एक मुर्गा नहीं खिलाया किसी के लिए और एक रुपए का वोट नहीं खरीदा है। लोगों ने वोट खरीदे हैं कई कई जगह, लेकिन हमारे चुनाव में दारू मुर्गा वोट खरीदा नहीं गया है। सिर्फ और सिर्फ जनता ने हमें साथ दिया है और जनता ने ये चुनाव जीता है।
संजय भैया संजय भैया। इसी प्रकार की खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।